अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं अपने चैनल पे अभी वापस आ गई हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ लज़ानिया, इटालियन लज़ानिया। तो मैं आपको अपनी जो इंग्रेडिएंट्स है वो काउंट करा देती हूँ। यहाँ मैंने ली है इसकी पट्टियाँ, उसको बॉईल किया है, और ये एक रेडी टू यूज़ है, ये मैंने पहले बनाया था, तो ये एक जो है वो लेफ्ट थी, तो अब मैं इसको यूज़ कर लूँगी। और ये टमाटर हैं जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया है, और ये चिकन का कीमा है, अदरक और लहसुन है, ये आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये अनियन है, और ये 3 टाइप ऑफ अ सॉस। तो चले जी, हम इसको बनाना शुरू करते हैं। स्पाइस आप अपनी अकॉर्डिंग टू टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर 1 कप जो है कैजुअल जो हम यूज़ करते हैं घरों में, वो मैंने ऑयल डाला है, और इसके अंदर अदरक और लहसुन। तो ये मैं पहले भी आपसे ये बता चुकी हूँ कि लहसुन और अदरक आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशल 19 कोविड में। और ये मैं इसके अंदर अनियन एंड चॉप किए हुए वो ऐड कर रही हूँ। और प्याज के बाद थोड़ा सा पकाने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था टमाटर। टमाटर मैंने लिए थे कोई 10 अदद। और अब मैं ऐड करने जा रही हूँ इसके अंदर स्पाइसेस। तो ये जो 1 चम्मच है वो ब्लैक पेपर का, और मैं ये सॉस इस्तेमाल करने लगी हूँ, रेड चिली सॉस। और मैं लूँगी हाफ टेबल स्पून, आप ले सकते हैं 1 टीस्पून। ये ग्रीन चिली सॉस है, आप अपने मुताबिक भी कोई सॉस जो है जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। ये भी मैं 1/2 टेबल स्पून लूँगी। और ये सोया सॉस है, ये भी 1/2 टेबल स्पून। अभी हम इसको पकाते हैं, और फिर मैं इसके अंदर चिकन का कीमा जो वो ऐड कर दूँगी। और फिर अभी ये पानी मैंने इसका ड्राई कर लिया है इसका, तो अभी ये लेस क्वान्टिटी में है थोड़ा सा। और अभी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ये चिकन का कीमा। ये मैंने 1 kg के करीब लिया, ऑलमोस्ट 1 kg है, और मैं इसको ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाना चाहती हूँ। अभी हम इसे अच्छे तरीके से पका लेंगे, और फिर इसकी लज़ानिया की लेयर्स बनाएंगे। वो रेडी हो चुका है, अभी मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड करूँगी, वो मैंने अभी तक सॉल्ट ऐड नहीं किया। तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। जो है मैं डिश यूज़ कर रही हूँ, इस साइज़ का मैं लज़ानिया बना रही हूँ। तो पहले इसको हम ग्रीस कर लेते हैं। आपको अच्छी तरीके से इसको ग्रीस कर लें, और अभी हम इसकी लज़ानिया की लेयर्स जो हैं वो लगाते हैं। आप ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं अभी ऐसे रखूँगी। और ये कुछ जो है लज़ानिया की जो पट्टी है वो मुझसे मैसअप हो गई थी, तो ये हम साइड पे जो है वो यहाँ लगा देते हैं इसको थोड़ा सा। अभी ये मैंने इसकी बॉटम की जो है वो लेयर रेडी कर ली है, इसके अंदर फिलिंग करूँगी। जो लास्ट लेयर है वो है, तो मैं इसके अंदर थोड़ी सी और चीज़ डालूंगी इस लेयर में भी,
ये अब मैं इसके अंदर रख दूंगी ये वाली पट्टी। ये भी रखूंगी। ये कुछ मुझसे जो मैसअप हुई हैं वो मैं इसको टॉप अप कर दूंगी। ये फाइनली जो है वो बेक होने के लिए रेडी हो चुका है और इसके ऊपर मैं चीज डालूंगी। ये मैंने प्रीहीट कर लिया था और अब इसके अंदर मैं इसको बेक करने के लिए जा रही हूँ। मैंने इसको रख दिया है और 20 मिनट आप इसको ऑलमोस्ट रखें और उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। ये इटालियन लज़ानिया की फाइनली लुक है, रेडी हो चुका है। इफ़ यू लाइक माई रेसिपीज़ हिट द बेल आइकन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैक टू नेक्स्ट रेसिपी।